पैंथर सेना के युवा अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, शिकायत के बाद भी गिरफ्तारी नहीं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने उठाई कार्रवाई की मांग। माझ्या घरावर जातीवाद्यांनी हल्ला केला व माझ्या घराचा भरपूर प्रमाणात नुकसान करण्यात आलं। माझ्या घराची मेन कनेक्शनची लाईट बंद करण्यात आली, एसीची वायर कट करण्यात आली आणि अंधाराचा फायदा घेऊन माझ्या दरवाजावर लाथा मारण्यात आल्या। या गोष्टीचा मी जाहीर निषेध करतो। पैंथर सेना के नईबई युवा अध्यक्ष जय सिंगले पर हुए जानलेवा हमले को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन रबाले पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर नाराज वंचित बहुजन आघाड़ी के बेलापुर तालुका अध्यक्ष नैनेश कटके ने हमले का निषेध करते हुए पैंथर सेना पदाधिकारी जय सिंगले के हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि घनसौली के महत्रे आली में रहने वाले जय सिंगले पर यह हमला 22 जनवरी की आधी रात को हुआ था। पीड़ित की माने तो हमलावरों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और जान लेने की कोशिश की। फिलहाल वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने रबाले पुलिस को निवेदन देकर आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आमचे सहकारी जय शिंगळे ऑल इंडिया पैंथर सेना नवी मुंबई युवा अध्यक्ष यांच्या घरावर काल रात्री 3 वाजता काही अज्ञात इसमांनी हल्ला केला होता। त्यांच्या घराची खूप वाईट परिस्थिती केली। दरवाजावर लात्या बुक्का मारल्या, डिश टीव्ही तोडली, वायर कापल्या आणि त्यांना जीवघेला हल्ला पण करायचा प्रयत्न होता पण तो झाला नाही। तर आम्ही पोलीस प्रशासनाकडे जाऊन ही विनंती केलेली आहे की त्यावरती लवकर जेवढ्या लवकर होईल तेवढी तक्रार हे करून घ्या, सोडवा आणि ज्यांनी हल्ला केला आहे त्यांना शोधून काढा, कारण आज इलेक्शनचा काळ जवळ आला आहे, त्यामुळे हा खूप म्हणजे चिंताजनक बाब आहे। आज आमच्यावर असा हल्ला होतो म्हणजे आम्ही पुढे जाऊ नाही का। ह्यांच्यावरती जो हल्ला झालेला आहे घरावरती, खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसानही झालेलं आहे आणि आम्ही प्रशासनाकडे त्याची मागणी केलेली आहे। व्यवस्थितपणे आम्हाला जर ते प्रशासनाने मदत केली नाही तर मग आम्ही पुढचं पाऊल आम्ही उचलू आणि प्रशासनालासुद्धा आम्ही इशारा देण्यासाठी लेटरही दिलेलं आहे। श्री जयेश इंगले इनके घर पे कुछ लोगों ने हमला किया, घर पे तोड़फोड़ करने का, बाहर का दरवाज़ा तोड़ा, लाइट वगैरह का डिस्कनेक्शन किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्कनेक्ट किया, टेरेस के ऊपर डिश टीवी वगैरह था तोड़फोड़ किया और घर में घुस के उसके ऊपर अटैक करने का भी कोशिश किया, बट वो नाकाम रहे और वो वहाँ से भाग गए रात के टाइम पर। ये मामला बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, इसलिए जयेश इंगले ने खुद पुलिस स्टेशन में तकरार दी थी बट उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती दिख नहीं रही थी, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने हम लोगों ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया है कि वो इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन करे और जो लोगों ने हमला किया था उन लोगों को पकड़े। बताना जरूरी है कि नवम्बई में अगले महीने मनपा के चुनाव होने वाले हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी नेताओं का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते कि वंचित आघाड़ी के कैंडिडेट चुनाव लड़ें और इसीलिए साजिश के तहत जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। हालांकि नैनेश कटके और विशाल तोंडगे ने कहा कि उन्हें जितना दबाने की कोशिश होगी वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता और मजबूती के साथ चुनावी मुकाबले के लिए उतरेंगे। ज्या प्रकारे आपल्या युवकांवरती आपल्या समाजाच्या ज्या काही घटकांमध्ये जाऊन ते कामं करतात अशा ठिकाणी जाऊन हा मनुवादी लोक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु आज सर्व आपल्या बहुजन समाजातील सर्व लोकांना हे कळून चुकलेलं आहे की अशा प्रकारच्या कुठल्याही हल्ल्याला आम्ही घाबरणार नाही आणि जेवढं हे लोक आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न करतात तेवढ्याच मोठ्या ताकदीनं आम्ही उभे राहू। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा दिख रहा है जिसमें ऐसे माहौल बनाया जा रहा है कि जहां पे बहुजन समाज के लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन से जो हमने रिक्वेस्ट किया है वो लोग हमें इसमें पूरा समर्थन दे रहे, पूरा सहयोग दे रहे और अच्छी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आज आमच्यावर असा हल्ला होतो म्हणजे आम्ही पुढे जाऊ नाही का, चिंताजनक बाब आहे म्हणजे आम्ही पुढे जाऊ नये आणि बाकीच्यांनी पुढे जावे, हेच त्यांचं महत्व आहे। तर आम्ही ह्याचा जाहीर निषेध करतो आणि हल्लेकरूंना शोधून काढा, हीच आमची प्रशासनाकडे विनंती आहे, नाहीतर आम्ही स्वतः काहीतरी गांभीर्य घेऊन
लक्षात घेऊन एक आंदोलन वगैरे करू. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.